सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचे दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। अपने बीते हुए उस वक्त को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ देता है, पर वो मत भूलो कि उस बुरे वक्त ने तुम्हें क्या सिखाया। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। संभाल कर रखना अपनी पीठ को यारो, सबासे और खंजर दोनों यहीं पर मिलते हैं। आज का पंचांग 29 मार्च 2024 दिन शुक्रवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात्रि 8:21 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 8:36 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:00 से 11:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर दोपहर 2:09 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 29 मार्च 2024 दिन शुक्रवार, कार्य में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। गपशप या संभावित दुश्मनों के बारे में चिंता करने से बचें। आपको परिश्रम करना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। अभी आप पेमेंट या सेवाओं के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए धन चिंता का विषय हो सकता है। उन सभी के साथ रहें जो आपके ऊपर निर्भर हैं, जैसे अधीनस्थ रिश्तेदार और पालतू जानवर इत्यादि। जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं उसके बारे में बातचीत करना आपके तनाव और अकेलेपन की भावनाओं को कम करेगा। संगीत या थिएटर जैसे सुखद मनोरंजनों की तलाश करें। कड़ी मेहनत से आपको भविष्य में सफलता मिलेगी। आपका ध्यान उन लोगों पर होगा जो आपके दिल के करीबी हैं। आप अपने करियर उपलब्धियों और बौद्धिक गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे और जानेंगे कि कैसे आप परिजन और परिवार को प्रभावित कर सकती हैं। धन संबंधित मामलों को निपटाने में आप दिलचस्पी रखती हैं और उधार खरीद बिक्री इस समय आपके लिए चिंता का विषय है। आपका विचार अपने परिवार को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए अधिक धन का प्रबंधन करने का है। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके सबसे नजदीकी हैं। आपका घर और परिवार के साथ आपका अधिकतर समय व्यतीत होगा। हालांकि यह समय निजी मामलों के लिए सही नहीं है। ऐसा लगता है कि यदि आप आज अधिक खर्च करते हैं तो यह आपके घर के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए होगा। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, आप प्यार करते हैं, वे आपके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें आपको अपनी जड़ों के संपर्कों में रहने के लिए बहुत दूर नहीं जाना है, बस वही ध्यान दे जहां आप रहते हैं। घर परिवार में किसी बात पर बहसबाजी की स्थिति देखी जा सकती है। कुछ मामूली बातों का नजरअंदाज भी करें। हालांकि आज दोपहर बाद आपके पारिवारिक स्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। आपके परिवार के लोगों के साथ रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। अवांछित विचार दिमाग में छा सकते हैं। खुद को शारीरिक व्यायाम का मजा लेने दें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। घर की छोटी छोटी रिश्तों पर आज आपका अधिक धन खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं। आपके बच्चे की पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उनके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। कई लोगों के लिए आज की रोमांटिक शाम खूबसूरत तोहफे और फूलों से भरपूर रहेगी। आपके घर का कोई सदस्य आज आपके साथ वक्त बिताने की जिद कर सकता है, जिसके कारण आप कुछ समय खराब कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है? उन पर गौर करें, यह बात आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। परिवार में किसी सदस्य के साथ कहा सुनी के चलते माहौल थोड़ा बोझिल हो सकता है, लेकिन यदि आप स्वयं को शांत रखें व धैर्य से काम ले तो सबका मूड बढ़िया कर सकते हैं। आपको अपने आय और व्यय में तालमेल बनाकर रखना होगा। आय में वृद्धि होने से आपके खर्चों में भी वृद्धि होने की संभावना है,
जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। पिताजी से आप अपनी पारिवारिक बिजनेस को लेकर कुछ सलाह मशवरा कर सकते हैं। आपको कोई परिजन आपसे लंबे समय बाद मेल मुलाकात करने आ सकते हैं। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनानी होगी, तभी आपके काम पूरे हो सकते हैं। यदि आपकी कोई डील लंबे समय से अटक रही थी तो आपको उसे फाइनल करना होगा। सावधानियां, आज को धीमे गति से और समझदारी से बिताने का प्रयास करें, ताकि आप अपने समस्याओं का समाधान कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर रहें। ध्यान रखें कि समस्याओं को धीरे धीरे हल करना होगा, और अगर आपको किसी बात का समाधान नहीं मिलता है तो धैर्य बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। इस चरण में एक कानूनी मामला आपका समय ले सकता है, जो शायद एक दुर्घटना या चोट से जुड़ा हो सकता है। जीवन में आई समस्याओं को देखें और अपने पार्टनर से भावनात्मक समर्थन लें। अभी आप अपने सामाजिक सर्कल से कटा हुआ महसूस करेंगे। सोच समझ कर बातचीत करें। याद रखें कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। टेक्स फोन और आपके साथ मीटिंग नेटवर्किंग का एक अच्छा उपाय है। चिंताओं को छोड़कर इस बात को याद रखें कि बहुत से लोग घर और कार्यस्थल पर आप पर निर्भर करते हैं। रोमांटिक यात्रा के लिए एक ब्रेक लेकर आप फ्रेश महसूस करेंगी। आपके दिमाग में अभी कुछ ऐसे विचार हैं जिन्हें आप व्यक्त करना चाहते हैं। आपके पास इस समय जो है और दूसरे लोगों का आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, वह अब आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका पारिवारिक जीवन, आपका करियर, आपके विचार आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह सभी आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खुद को और आप अपनी भावनाओं को खोजें, अपने जुनून को जानें, जिससे सब कुछ संभव है। याद रखें, घर वो जगह है जहां हम प्यार पाते हैं। घर जिससे हमारे पैर तो बाहर जा सकते हैं, किंतु हमारा दिल नहीं। बात करते हैं करियर की। इस राशि वालों के लिए आज के दिन व्यापार को गति प्रदान करने वाला देखा जाएगा। कार्य क्षेत्र पर काम धंधे से संबंधित कार्यों में धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखा जाएगा। व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपने किसी शुभचिंतक के साथ सलाह मशवरा जरूर करें। भूमि संपत्ति से संबंधित किसी सौदे में धन लाभ होता देखा जा सकता है। नौकरी पेशा वर्ग में कुछ कर्मचारियों के काम को सराहा जा सकता है। आज आपके कोई नई संपत्ति खरीदने के योग भी बन रहे हैं। वर्तमान में एक दुर्घटना या चोट आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित भी कर सकती है। अभी उन सहकर्मी और हम उम्र व्यक्ति से मिली जिसके साथ आपके मतभेद हैं। आपके पास जो भी साधन मौजूद हैं, उनके माध्यम से प्रभावी बातचीत करें और ध्यान रखें कि आप बोलने से अधिक सुने। अपनी उस योजना को बढ़ावा देने के लिए भी यह चरण शुभ है जो अभी आपके दिमाग में है। कड़ी मेहनत करते रहें और दूसरे लोग आपको नोटिस करेंगे। बहुत से लोग आप पर निर्भर हैं, इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उनके बारे में सोचें। बात करते हैं सेहत की। सीने में दर्द की शिकायत देखी जा सकती है। हृदय रोगी अपने दवा एवं परहेज संबंधित कोई लापरवाही ना करें। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।